हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस फॉर 28th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज देख लेते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आज की आर्टिकल है, दैट इज पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट्स ऑन क्राइम बिल्स। तो जो तीन जो अमेंडमेंट बिल्स जो हमारे जो एविडेंस एक्ट था, जो IPC था और CRPC, उसको अमेंड करने के लिए जो तीन बिल्स जो ड्राफ्ट किए गए थे उसके रिगार्डिंग अभी जो रिपोर्ट है उसको होल्ड पे रखा गया है। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट द स्पीड एट विच द बिल्स वर रिव्यूड बाय द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी एंड द लैक ऑफ कंसल्टेशन। तो जो क्राइम एंड पनिशमेंट से रिलेटेड तीनों बिल थे, तो जो स्टैंडिंग कमिटी थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो है सर्कुलेट किए थे उसमें, ठीक है ना। उसमें क्या क्या था, जो सेक्शन 377 था IPC का उसको रिटेन करने के लिए बोलता, फॉर द केसेज ऑफ नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स विद एडल्ट्स, ऑल एक्ट्स ऑफ कार्नल इंटरकोर्स विद माइनर्स एटसेट्रा, ठीक है ना, इसको रिटेन करने के लिए बोला था। फिर जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, इट सीक्स टू रिटेन सेक्शन 497 IPC ऑन एडल्ट्री, मेकिंग इट जेंडर न्यूट्रल, उसको जेंडर न्यूट्रल रख के और रिटेन करने की बात कही है। तीसरा जो रिकमेंड दिया था वो ये था, इट रिकमेंड था हैंडकफ शुड नॉट बी यूज ऑन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनके केसेस में आप हैंडकफिंग को नहीं यूज कर सकते हैं। और चौथा जो था, इट रिजेक्ट द ऑपोजिशन कंटेंशन ऑन द हिंदी नोमेनक्लेचर ऑफ द बिल्स, जो बिल्स का हिंदी नोमेनक्लेचर पे जो ऑपोजिशन का जो क्रिटिस वो आ रहा था कि वो विरोध कर रहे थे, उसको उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया था जो ये स्टैंडिंग कमेटी थी उसने, ठीक है ना। दूसरा आज का जो है वो है डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट डीम्ड साइबर क्राइम। तो जो ये डार्क पैटर्न्स यूज कर रही थी कर रही हैं जो कौन कौन, एक तो एयरलाइंस भी और जो ऑनलाइन एजेंट्स है वो, उनको जो है साइबर क्राइम जो है मान के जो है बोला गया है। तो जो ये जो प्रैक्टिसेज आपने देखी हुई कई बार जो होती है, जैसे कि जो ट्रिक कर लिया था कंज्यूमर्स को टू मेक देम मैंडेटरी अनइंटेंडेड परचेजेज सच एज पेइंग फॉर सीट्स, कई बार सीट्स के लिए बोल देते हैं वाइल बुकिंग फ्लाइट टिकट बुक करते तो सीट के लिए अलग से उसमें कहते हैं कि आप कीजिए डिस्पाइट बीइंग फ्री सीट्स अवेलेबल, तो इसको एज ए साइबर क्राइम जो है वो कंसिडर किया। साथ साथ ये भी बताया कि कई बार जो होता है जो स्किप का ऑप्शन होता है या जो और कुछ जो इस तरह मतलब ट्रांसपेरेंट व्यू में जो है वो चीजें नहीं दिखाई जाती, कई बार सीट्स जो फ्री होती हैं अवेलेबल तो बहुत पीछे होती है तो वो व्यू जो है इस तरह का दिखाया जाता है कि वो उनको दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो इन सबको जो साइबर क्राइम की उससे देखा जा रहा है कि एक अनफेयर प्रैक्टिस माना जा रहा है इसको, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको ऐसे बोला कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन कंप्लेंट्स उनके पास आई है कि जो एयरलाइंस या एजेंट्स है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे के एडिटोरियल पे चलते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल इज मिस्त्री ट्रायल, इंडिया मस्ट लेवरेज टाइज विद कतर टू फ्री इट्स सिटीजंस फेसिंग डेथ पेनल्टी। तो ये आपको हम सबको पता ही है कि जो एट जो फॉर्मल इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे वो जो है उनको जो है कतर में जो है उनको डेथ पेनल्टी जो है अवार्ड की गई है, तो वो जो उन पे चार्ज लगे थे दैट वाज एक्यूज ऑफ एस्पियोनेज इज इंडीड डीपली शॉकिंग, उनको एस्पियोनेज के जो चार्ज में जो है वो एक्यूज किया हुआ था उसमें उनको जो है डेथ पेनल्टी दी है। तो ये यहाँ पे वही है कि जो ट्रायल था वो भी सीक्रेसी में चला था और बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो है चार्जेज और एविडेंस की जो है वो जो ये इंडियन नेवी के सर्विस मैन थे उनके अगेंस्ट प्रोवाइड की गई थी। इनको अगस्त 2022 में अरेस्ट किया गया था, ठीक है ना। और काफ़ी सारी प्लीज के बावजूद भी इनकी फैमिलीज की तरफ से जो इंडियन डिप्लोमेट्स है दोहा में उनके बाद भी कतर ने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया कि वाई इट हैज नॉट डाइवर्ट डिटेल्स ऑफ द केस, केस की डिटेल्स क्यों नहीं उन्होंने उनको बताई। और जो जजमेंट है वो भी अभी जो है शेयर नहीं किया गया इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। फिर लीक रिपोर्ट से ये भी सजेस्ट हो रहा है, ये भी पता चला है कि जो मैन थे दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ शेयरिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द स्टील्थ सबमरीन प्रोग्राम दे वर्कड ऑन विद अ थर्ड कंट्री, ए चार्ज देयर फैमिलीज हैव डिनाइड, ये चार्ज उन पे लगाया जो कि उनकी फैमिली ने हालांकि डिनाई किया है। तो जो इंडियन ऑफिशियल्स की विजिट थी जो कतर में हुई है वो बेसिकली अपील कर रहे हैं कि लीनियंसी दी जाए और ट्रांसपेरेंसी जो है वो दिखाई जाए, थोड़ी सी उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, चार्जेस शेयर किए जाए, एविडेंस शेयर किए जाए, लेकिन जो है उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, इन विजिट्स का भी, इंडियन डिप्लोमेट्स की विजिट्स का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये कुछ कुछ पैरेलल के सिमिलर सिचुएशन में दिखता है, जैसे कि फॉर्मल लेवल कमांडर जो जादव थे उनका था पाकिस्तान में, उनको भी डेथ रो फेस कर रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंडिया की जो टाइज है कतर के साथ वो थोड़ी सी बेटर है इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। हमारा ट्रेड भी उनके साथ है, जैसे देखिए आप इंडिया जो है 40% लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है वो कतर से ही फुलफिल करता है उसकी नीड्स को। फिर जो 7 लाख इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट है कतर के इंस्टीट्यूशंस का, इंडस्ट्री और वर्कफोर्स का, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे जो सजेशन दिए ऑथर ने वो ये दिया है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इन चार्टिंग द नेक्स्ट स्टेप टू एंश्योर द इंडियंस आर गिवन बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट इन एन अपील।
तो उनको बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट मिल जाए, ठीक है ना। तो केवल डिप्लोमेटिक लीगल प्रोसेस और लीगल अपील्स के साथ और डिप्लोमेटिक वर्क के साथ साथ जो कतरी लीडरशिप है उसके साथ भी एक्टिवेट करना चाहिए, और अगर हाईएस्ट लेवल्स तक भी जाना पड़े तो उस तक भी जाके जो है इसको मतलब वो करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। फिर तीसरा बताया होता है ना कि ए केस मस्ट बी मेड फॉर क्लीमेंसी एंड कम्यूनिटिंग द डेथ सेंटेंस टू जेल टर्म, और ये भी कोशिश किया जाए कि क्लीमेंसी की मांग की जा सकती है, डेथ सेंटेंस को कम्यूट किया जा सकता है जेल टर्म के लिए, और अगर वो चाहते हैं अगर ये भी हो सकता है कि इंडियन जेल में जो है वो टर्म जो है वो उनका जेल टर्म वो काट पाए, ठीक है ना। इस तरह की कोशिश की जा सकती है। फिर उसने बोला है नॉट विदिंग रिपोर्ट दैट सीक टू टाई द वर्डिक्ट टू मोर जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर मतलब रिपोर्ट जैसे चल रही है कि कतरी के कतर्स के जो है डिफरेंसेज हैं जो अभी पॉलिसी आई है इजराइल और पैलेस्टीन के इशू के चलते उसमें करंट कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें, तो उसको साइडलाइन करते हुए जो गवर्नमेंट को ये है कि गवर्नमेंट को मस्ट डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि जो लाइव्स हैं जो इंडियंस हैं उनकी वो एक पार्टी पे है कंट्री के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो जो क्लेम है जो पॉलिसी कहती है कि नो इंडियंस लेफ्ट बिहाइंड उसको जो है एक तरह से इनको जब आप वापस लेके आएंगे या इस इशू को रिजोल्व कर पाएंगे तो एक तरह से उसको आपको प्रूफ करने का जो है ये अच्छा मौका है, ठीक है ना। अनदर हनीमून नवाज शरीफ डील विद द मिलिट्री इज अनलाइकली टू लास्ट लॉन्ग, तो ये जो पाकिस्तान के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे जो कि सेल्फ एग्जाइल में चल रहे थे लंदन में वो वापस आए हैं, तो चार साल बाद जो है जो सिचुएशन जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो गई है। एक्चुअली उन पे आरोप लगे थे और उनको जो है जेल टर्म जो है हुई थी, उसके बाद वो एग्जाइल में चले गए थे, खुद सेल्फ एग्जाइल में वो लंदन चले गए थे। फिर उसके बाद जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर इमरान खान उनको जो है उनको आउट कर दिया गया पावर से, ठीक है ना, और वो अब जेल में है क्योंकि उन्होंने मिलिट्री का क्रिटिसिज्म किया था। तो वंस अगेन जो मिस्टर शरीफ पहले उनके दुश्मन थे जनरल्स के वो लास्ट वीक रिटर्न हो गए, और जो उनके थाउजेंड सपोर्टर्स जो हैं वो उनके साथ आ गए हैं और उनको बोले हैं चार्ज दोबारा से ले लीजिए और पाकिस्तान को बचाइए। तो पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान में ऐसे कोई स्ट्रेंजर थिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल समरसॉल्ट वहाँ पे अक्सर होते रहते हैं, उतर ये बता रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस अगर जनरल्स के साथ हैंड ज्वाइन कर लेते हैं और उनके जो अपोनेंट्स हैं उनको हटा देते हैं, ठीक है ना, और खुद पावर के उनके लिए अपने मतलब पावर में आने के लिए अपना रास्ता जो है वो अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है ना। वही है कि लेकिन चलती वही है कि जो मिलिट्री के या जनरल्स के साथ मिलके चल रहे हैं उनको ही पावर में रहने। तो पाकिस्तान इज बैक टू द पास्ट व्हेन मिस्टर शरीफ रिटर्न्स टू द कंट्री, वही पाकिस्तान वही पास्ट वाली उसमें आ गया है, प्रॉबली इन एन अंडरस्टैंडिंग विद द जनरल्स, जनरल्स के साथ मिलिट्री जनरल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग, तो वो फिर से वापस में आ गए। तो ही वांट्स पावर एंड द जनरल्स वांट साइडलाइन देयर न्यू फोर, जाहिर सी बात है मिस्टर नवाज शरीफ को पावर चाहिए और जो जनरल्स हैं उनको चाहिए कि उनके जो फो थे मतलब दुश्मन जो अब बन गए हैं मिस्टर खान उनको साइडलाइन करने में सफल हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इसको जो है कन्वीनियंस जो है उन्होंने यहाँ पे इसको बताया है, ठीक है ना। कन्वीनियंस मतलब अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और हट रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस जरूर रहने वाले हैं, तो ग्राउंड्स वाले अगर देखें तो एंगर है जो पीएमएल नवाज थे उसके अगेंस्ट, अंडर हुज वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन एट डिटेरियोरेटेड विद हाइपर इन्फ्लेशन है, जॉबलेसनेस है, टैंकिंग रुपी है और लूमिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वहाँ पे चलते, तो इन सब सिचुएशंस के चलते हुए जो है इन सबको ये जो चैलेंजेस इनको ओवरकम करना और इमरान खान को हराना जो है, तो मिस्टर शरीफ को जरूरी सी बात है कि उनको ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही चाहिए किसकी जनरल्स की, अगर एक्टिव सपोर्ट नहीं भी देंगे तो उनकी ब्लेसिंग चाहिए, विच इन टर्न वुड वीकन द सिविलियन इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री, और इससे क्या होने वाला है इंस्टीट्यूशन जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन वो वीक होंगे और जो मिलिट्री है उसका हैंड और मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। और उनका जो खुद का रिकॉर्ड है मिस्टर शरीफ का वो भी सजेस्ट करता है ही डज नॉट गेट अलॉन्ग विद द जनरल्स आफ्टर द हनीमून पीरियड, तो दिस इज द साइक्लिकल ट्रेजेडी पाकिस्तान फाइंड इटसेल्फ विद इन, और ये साइक्लिकल ट्रेजेडी हमेशा ही पाकिस्तान आपको इसमें देखने को मिले मिलिट्री और सिविलियन वाले इंस्टीट्यूशन में आपस में जो है वो चलता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं वुमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री जो है वो ऑथर ने बोला है कि इट हैज बीन क्रॉनिकल्ड थ्रू अ मेलनेस, अगर हम देखें तो इसका जिक्र ऑथर ने एग्जांपल दे दिया कि अगर आप जो नोबेल मेमोरियल प्राइज दिया जाता है इकोनॉमिक साइंस में उसमें देखें तो सिंस 1969 जो है मैन जो है इसको ये प्राइज दिया गया है, और कंपेरिजन में अगर देखें तो केवल तीन वुमेन को जो है ये प्राइज दिया गया है, जिनमें से फर्स्ट जो थी वो एलिनोर ऑस्ट्रोम थी जिन्होंने 2009 में ये प्राइज दिया था फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ लोकल कम्युनिटीज मोस्ट ऑफ देम इन डेवलपिंग कंट्रीज गवर्न देमसेल्व्स, तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आप याद रखें कब कब और किस किस लिए जो है वो मेन को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया है। जो दूसरा दिया गया था वो 2019 में दिया गया था, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एस्टर डफ्लो को दिया गया था वॉन इन 2008 फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क इन एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए, और तीसरा अभी जो लेटेस्ट इस साल का दिया 2023 का वो क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है और उनको दिया गया फॉर हर वर्क एक्सप्लेनिंग व्हाई वुमेन अर्न लेस मनी देन मैन इवन व्हेन दे डू द सेम वर्क, बिल्कुल सेम कार्य करते हुए भी वुमेन क्यों जो है उनको कम जो है
पैसे मिलते हैं या प्राइस मिलता है, रेमुनरेशन मिलता है उनके काम का, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इकोनॉमिक साइंस के डेफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। इकोनॉमिक साइंस इज फोकस्ड ऑन स्टडिंग सिस्टम्स फॉर प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिकली वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। इस चीज के लिए जो है इकोनॉमिक साइंस बेसिकली ये है, ठीक है ना। तो ऑथर ने आपको इंडिया के लिए बोला है कि फ्यूचर ऑफ द वर्क इन इंडिया, अगर पैटर्न्स देखें इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो शिफ्ट हो रही है ग्लोबली। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे भी जॉब जो है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये जो ट्रेंड्स हैं इनसे जो फ्यूचर ऑफ वर्क है वो एक स्पेशल चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ जो है वो वर्ल्ड में है। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटीज फ्यूर होती जाएंगी डिग्निफाइड वर्क के लिए, एडिकेट इनकम के साथ, सोशल सिक्योरिटी के साथ, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो अमंग द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अमंग जो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ इंडिया में है। तो उसके लिए जो ये जो जॉब वाली स्कैर्सिटी या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली है, उसको मतलब एक रेगुलर जॉब या सोशल सिक्योरिटी वाली जॉब्स की जरूरत, तो इसको इंश्योर करना पड़ेगा इस इशू को, ठीक है ना। फिर दूसरा उसने बताया इंडिया विच रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट, इट नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन केयर गिविंग सर्विसेज। केयर गिविंग सर्विसेज में इंक्लूड करना मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन केयर गिविंग वर्क जो है वो वैल्यू ही नहीं किया जाता मनी इकोनॉमी। एक ये इशू भी यहाँ पे है कि जो केयर गिविंग इकोनॉमी जो वर्क है उनको मानते ही नहीं है। जो डोमेस्टिक वर्क्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं या जो प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको देखें तो उनको पुअरली, बहुत पुअरली पे किया जाता है। तो मतलब उनका वर्क इतनी ज्यादा वो नहीं किया जाता उनको, ठीक। G20 हमें सभी को याद है जो, तो उसमें जो पहले अभी तक जो था जो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोलता कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए और वो बियॉन्ड GDP जाना चाहिए, ठीक है ना, उस तरह से काम करना चाहिए। अभी तक जो विजन था ग्लोबलाइजेशन का सो फार वो था वन अर्थ वन इकोनॉमी और वन फ्यूचर के लिए, लेकिन जो G20 पे एक डिफरेंट विजन जो है दिया गया वसुधैव कुटुंबकम का, वन फैमिली वन अर्थ और वन फ्यूचर का। तो यहाँ पे होते हैं बताया कि GDP जो है एक मॉनिटरी मेजर है, किसकी, सिर्फ इकोनॉमिक कंपोनेंट की, सोसाइटी की, लेकिन जो GDP है वो वैल्यू केयर गिविंग वर्क को वैल्यू नहीं देता है। तो अगर हमें एम्बिशन से जो हमारे $10 trillion इकोनॉमी GDP हम बनाने की कर रहे हैं, तो पॉलिसी मेकर्स को जो है वो ये है कि प्लक वुमेन आउट ऑफ देयर फैमिलीज एंड फ्रॉम इनफॉर्मल वर्क एंड पुश देम इनटू मोर एफिशिएंट इंडस्ट्रियल फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट टू कंट्रीब्यूट टू GDP। उनको आपको स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ेगा, मेन लाइन में लाना पड़ेगा उनको, इनफॉर्मल वर्क से जो आउट ऑफ फैमिलीज, जो फैमिली में डोमेस्टिक वर्क में फंसे उनसे बाहर लाना पड़ेगा और उनको कंट्रीब्यूशन को जो है GDP में बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें अगर, तो जो G20 ने असेस किया था कि मिडवे पॉइंट पे 2023 के में कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ऑफ ट्रैक है, केवल 12% टारगेट जो है वो ऑन ट्रैक है। तो यानी कि क्लियरली ये तो क्लियर है कि हमें अप्रोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और बहुत सारे वाइज लोगों ने ये भी एडवाइस किया कि हम जो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको उसी तरीके से सोचते, जो पुराना तरीका उसे सोचते हुए तो हम उनको नहीं कर सकते हैं, कि जिन्होंने उनको कॉज किया है उसी को, सिर्फ उसी वे से हम थिंक करें तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सजेस्ट किया कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व बॉटम अप नॉट टॉप डाउन। जो हम ये बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच अभी तक चलती थी कि ऊपर का डेवलपमेंट कर दो नीचे अपने आप जाए, वो नहीं, आप नीचे से शुरू कीजिए और उसको ऊपर लेके जाइए। तो बॉटम अप अप्रोच की जरूरत है, ना कि टॉप डाउन की। तो लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस कोऑपरेटिवली डेवलप्ड बाय कम्युनिटीज आर द ओनली वे द गोल्स ऑफ SDGs कैन बी अचीव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जो वे फॉरवर्ड है, जो आप हर मेंस के आंसर में आप देख सकते हैं जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होगी या डेवलपमेंट की बात होगी, ग्रोथ की बात होगी, आपको लोकल सिस्टम्स के सॉल्यूशन कोऑपरेटिवली डेवलप करना चाहिए कम्युनिटी से, उस वही वो फॉरवर्ड है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे। वैल्यू द वर्क ऑफ केयरिंग, दूसरी चीज ये है कि जो मैस्कुलाइन व्यू है इकोनॉमी का वो प्रोडक्शन मशीन ड्रिवन है बाय कॉम्पिटिशन, लेकिन जो फेमिनाइन व्यू है इकोनॉमी का वो है सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग्स हु केयर। तो हमें केयर इकोनॉमी को जो है वो वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो नोबेल लॉरिएट थी ओस्ट्रोम, उन्होंने ये दिखाया था हाउ लोकल कम्युनिटीज ऑफन विद वुमेन एट देयर सेंटर कोऑपरेटिवली गवर्न देयर लोकल रिसोर्सेज इक्विटेबली एंड सस्टेनेबली। ये उन्होंने अपनी स्टडी में बताया था। फिर जो, तो यानी कि इसमें हमें ये जरूरत है कि पैराडाइम चेंज इज रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पैराडाइम चेंज की जरूरत है, और जो पैराडाइम चेंजेस हैं दे ऑलवेज रिक्वायर पावर शिफ्ट विच इज डिफिकल्ट बिकॉज पीपल विद पावर विल नॉट लेट गो। जाहिर सी बात है जिनके पास पावर हो बिल्कुल नहीं चाहेंगे उनकी पावर चली जाए, लेकिन पैराडाइम चेंज अगर आपको ला रहे हैं तो एक पावर शिफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो मतलब ये है कि आपको बेसिकली क्या क्या करना है। तो पहला ये दिया है सजेशन कि इट इज टाइम फॉर द पावर्स अबव टू हम्बली लिसन टू द पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम रादर देन टीचिंग देम वेज दैट हैव लेड ह्यूमैनिटी टू ग्रेव प्रॉब्लम्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इकोनॉमिक। उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, उनसे पढ़ने की जरूरत है, उसने बोला जो लोअर लेवल्स हैं उनसे।
फिर दूसरा जो ग्लोबल मेल डोमिनेटेड मनी ड्रिवन और सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी है उनके ओवरहॉल की जरूरत है, उनको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। तीसरा, वुमेन मस्ट बी गिवन फ्रीडम नॉट जस्ट टू बी प्रमोटेड विद इन मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन, सिर्फ उनको मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन में प्रमोट करने से नहीं कि आपने इतना रिजर्वेशन दे दिया, ये दे दिया, ये पोस्ट कर दिया, नहीं, बट रादर टू शेप बेटर फैमिली स्पिरिटेड इंस्टीट्यूशन फॉर गवर्नेंस, उनको पूरा बेटर और फैमिली स्पिरिटेड इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस के लिए उनको उनके हिसाब से शेप करने दीजिए इंस्टीट्यूशन को। मोर ओवर चौथा ये बताया कि जो लोकल कम्युनिटीज है दे मस्ट बी गिवन मोर पावर्स फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म नहीं करते हैं तो ये जो विजन था वसुधैव कुटुंबकम वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर का वो उसी तरीके से फेड हो जाए जैसे G20 के बैनर्स फेड हो गए। तो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है ना। अ चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो ऑथर हैं ये चाइनीज एम्बेसी में चार्ज डी अफेयर्स डी एंटरिम है, चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया में है उसकी, तो ये उन्होंने बोला है कि चाइना और इंडिया अगर पार्टनरशिप में रहेंगे तो एक ग्लोबल जो है पोटेंशियल है इनके पास में, तो क्योंकि चाइनीज है तो उनका ज़्यादा इसमें बोला है उन्होंने। तो एज अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना एंड इंडिया, तो एशियन सिविलाइजेशन देखें तो वो साइड बाय साइड थाउजेंड ऑफ ईयर से रह रहे हैं, जहाँ पे इंडिया और चाइना शेयर करते हैं कॉमन थॉट्स फ्यूचर और डेस्टिनी पे। जहाँ पे चाइनीज पीपल है दे हैव चेरिश्ड द विजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर द कॉमन गुड सिंस एंशियंट टाइम्स, वहीं पे जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है वो रिकॉर्ड द मोटो ऑफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस जो फ्यूचर और डेस्टिनी को लेकर है वो कहीं ना कहीं सिमिलर उस पर मिलती है। 1950s में चाइना और इंडिया ने जॉइंटली इनिशिएट किए थे फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और जो बेसिक नॉर्म्स जो है गवर्निंग इंटरनेशनल रिलेशंस में आज आप देखने को मिलते हैं, पंचशील के सिद्धांत जो उस टाइम दिए थे और वो आज भी जो है जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो उन प्रिंसिपल्स को आप देखें वो बेसिक नॉर्म्स हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है। तो अभी अगर हम देखें तो जो ये दोनों ही लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज भी रही हैं जिनकी दोनों की ही पॉपुलेशन 1 बिलियन से ऊपर है, तो दोनों ही क्रूशियल स्टेज में हैं डेवलपमेंट और रिवाइटलाइजेशन के पे, या साउथ ने बोला है, और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एबिलिटी भी है और अपॉर्चुनिटी भी है एक बार फिर से कि इल्यूमिनेट करे पाथ फॉरवर्ड फॉर मैनकाइंड विद ओरिएंटल विजडम। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि इसका आंसर जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, उन्होंने दिया था टू बिल्ड अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, और यहाँ पे एक व्हाइट पेपर जो चाइना रिसेंटली रिलीज किया जिसका टाइटल है ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर चाइनाज प्रपोजल एक्शन, जिसकी बात की ऑथर ने, विच सिस्टमेटिकली लेज आउट द थ्योरेटिकल बेस प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट ओवर द पास्ट डिकेड। तो ये व्हाइट पेपर क्या कहता है, इट एडवोकेट्स फोर्जिंग ग्रेटर सिनर्जी टू अचीव लास्टिंग पीस, डेवलपिंग ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर कॉमन सिक्योरिटी, इंस्टिलिंग ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन कॉमन डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल ड्राइविंग फोर्सेस फॉर म्यूचुअल लर्निंग अमंग सिविलाइजेशन एंड टेकिंग मोर एक्शंस टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। लेकिन ये बातें पेपर पे अच्छी हैं, क्या रियली में ये चाइना जो है ये फॉलो करता है ये नहीं इंश्योर होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं फिर फर्दर ऑथर ने क्या बोला है, तो विजन पॉइंट्स की बात की है, तो जो विजन है इसमें वो क्या है, तो तीन चार चीजें बताएं। तो पहला यह है कि कीप द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो डायरेक्शन इकोनॉमिक की वो एक करेक्ट डायरेक्शन रखे, जॉइंटली बिल्ड एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी दैट रिफ्लेक्ट द डिमांड्स एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड और इंटरेस्ट भी जो आपको दिखाई दे, एक यूनिलेटरल या प्रोटेक्शनिज्म या डीकपलिंग और जो जीरो सम गेम है विनर टेक्स ऑल वाला उसको जो है रिजेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। फिर तीसरा उसने कहा है फॉलो द राइट पाथ ऑफ पीसफुल डेवलपमेंट, पीसफुल डेवलपमेंट के लिए आपको सही पाथ की जरूरत है, ठीक है ना, एक साथ काम करके पीस को परस्यू करके पीस को सेफ गार्ड करके और पीस को शेयर करके जो कंट्रीज है वो अचीव कर सकते हैं डियर डेवलपमेंट गोल्स एंड मेक ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। फिर चौथा जो सजेस्ट किया उसने वो क्या है, फोस्टर न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन को नए तरीके से करना पड़ेगा आपको, कंट्रीज शुड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट इक्विटी एंड जस्टिस म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन सो एज टू बिल्ड ब्रॉडर एंड डीपर ग्लोबल पार्टनरशिप्स बेस्ड ऑन इक्वलिटी ओपननेस एंड कॉपरेशन। लेकिन जब ग्लोबल और साउथ चाइना सी की बात आती है तो यहाँ पे क्या ये सारी चीजें ये फॉलो करते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट और इक्विटी जस्टिस की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही में हम कह रहे थे कि पेपर्स पे कुछ है लेकिन जो आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं वो देखिए। फिर जो सजेस्ट किया है प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म जो है वो ट्रू होना चाहिए, बिल्डिंग क्लिक्स इन द नेम ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज नो मोर देन ब्लॉक पॉलिटिक्स, ब्लॉक पॉलिटिक्स से ज्यादा नहीं है ये चीजें, शेकिंग सुप्रीमेसी इन द नेम ऑफ मल्टीलेटरलिज्म इज स्टिल यूनिलेटरल थिंकिंग, ये अभी भी जो आप सुप्रीमेसी सीख कर रहे हैं मल्टीलेटरलिज्म के नाम पे वो भी एक तरह से यूनिलेटरल थिंकिंग है। तो सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म जो है वो प्रैक्टिसिंग डबल स्टैंडर्ड्स, जो सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म की आप सेलेक्टेड लोगों के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आप डबल स्टैंडर्ड्स आपके शो करता है, तो एक ट्रू मल्टीलेटरलिज्म की जरूरत है। फिर सजेस्ट किया है प्रमोट द कॉमन वैल्यूज ऑफ पीस डेवलपमेंट इक्विटी जस्टिस डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी, और यहाँ पे बोला कि देयर इज नो सिंगल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, ऐसा कुछ नहीं है
कि एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिंगल डेमोक्रेसी मॉडल है जो एक सुपीरियर है, ठीक है ना, फार लेस आ सुपीरियर वन, ठीक है ना, कि वही सुपीरियर और वही सिर्फ मॉडल है, अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। चाइना के कंट्रीब्यूशन को उसने आपको बताया कि चाइना जो है पांच डिकेड में अगर आप देखें, इट कंट्रीब्यूटेड इट्स स्ट्रेंथ टू बिल्डिंग अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ ए शेयर्ड फ्यूचर विद फर्म कन्विक्शन एंड सॉलिड एक्शन। तो इसमें सबसे पहला उसने बताया कि BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है एक ग्लोबल पॉपुलर ग्लोबल पब्लिक गुड है, जो कॉपरेशन प्लेटफॉर्म भी है जो चाइना ने प्रोवाइड किया है वर्ल्ड को। फिर ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव है, दीज पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है ना, अक्रॉस थ्री डायमेंशंस, ठीक है ना। फिर ऑथर ने फाइनली जो कंक्लूड किया वो ये कि थर्ड ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है चाइना और इंडिया में रहती है, और चाइना और इंडिया जो है वो नेचुरल पार्टनर्स हैं इन बिल्डिंग अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। तो चाइना इंडिया कुड जॉइंटली वर्क हैंड इन हैंड विद ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉमन विल एंड रेजोल्यूशन ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज टू बिल्ड एन ओपन इंक्लूसिव क्लीन एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट एंजॉयज लास्टिंग पीस यूनिवर्सल सिक्योरिटी एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट की बात आती है तो चाइना उसमें इंडिया के अगेंस्ट वोट कर देता है कि नहीं, और यहाँ पर बात करें कि उनको साथ चलने की जरूरत है, नेचुरल पार्टनर्स बताते हैं, तो नेचुरल पार्टनर्स के बीच एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट वाली भावना होनी चाहिए। लेकिन जब जब इंडिया को मेन चीजों में सपोर्ट की जरूरत होती है तो चाइना उस टाइम बैकिंग नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राउंड जीरो में, तो आज का इतना इंपॉर्टेंट आया नहीं था, एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया बस। यस, ये है शेलिंग बाय पाक ट्रिगर्स स्केशन जम्मूज आर्मीनिया। तो जम्मू का आर्निया रीजन में जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग हुई है, तो सीज फायर पैक जो है वो वायलेट किया है उन्होंने, सिविलियंस और हाउसेज और क्रॉप को जो है अफेक्ट किया है। BSF ने रिटेलिएशन में जो है फायरिंग की है उसके बाद। तो जो आर्मी है, आर्मी ने बोला कि देयर वाज कांस्टेंट एंडेवर फ्रॉम अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल टू डिस्टर्ब द पीस इन कश्मीर 8 डे आफ्टर 5 मिलिटेंट्स वर किल्ड इन कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में 5 मिलिटेंट्स को मारता, उसके बाद से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिली है, ठीक है। आगे ये वही है जहाँ हमने बताया था कि जो ऑपरेशन है स्किप का, वो भी कई बार टॉप राइट कॉर्नर में देते हैं या डिस्प्ले जो टिनी फॉन्ट में दिखते हैं जो ढंग से दिखता नहीं है। तो ये प्रैक्टिस जो इसको बोलते हैं इंटरफेस इंटरफेरेंस, ये डेफिनेशन में आप याद रखेंगे, वेयर द वेबसाइट डिजाइन हाईलाइट सर्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड डिलीबरेटली ऑब्स्क्यूर्स अदर इन्फॉर्मेशन। तो इंटरफेस इंटरफेरेंस क्या होती है, ऐसी वेबसाइट डिजाइनिंग जहां पे जो हाईलाइट करता है कुछ स्पेसिफिक सर्टेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो डिलीबरेटली ऑब्स्क्यूर की जाती है, दूसरी इन्फॉर्मेशन को छुपा देती है, ठीक है ना। तो ये वो प्रैक्टिस थी जिसको हमने बोलता साइबर क्राइम में आता है इस तरह से, ठीक। आगे देखते हैं, हाँ जी, विक्रम किकड अप 2 tons ऑफ लुनाडा से साइंटिस्ट। तो स्टडी चल रही है, उसमें बोला है कि जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल था, इट जनरेटेड स्पेक्ट्रो एग्जैक्टा हालो ऑफ लूनार मटेरियल, और साइंटिस्ट जो है उन्होंने एस्टिमेट किया अबाउट 2.06 tons जो लूनार एपी रेगोलिथ थी वो इजेक्ट की गई थी और डिस्प्लेस कर दी थी ओवर एन एरिया ऑफ 108.4 square meters अराउंड द लैंडिंग साइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये इजेक्टा हालो क्या है। तो जब ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ डिसेंट स्टेज, जब डिसेंट कर रहा था ये लैंडर मॉड्यूल एंड थ्रस्टर्स एंड द कंसिक्वेंट लैंडिंग, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लूनार सुपरफिशियल एपी रेगोलिथ मटेरियल गोट इजेक्टेड रिजल्टिंग इन एन रिफ्लेक्टेंस एनोमेली और इजेक्टा हैलो। उस रिफ्लेक्टेंस एनोमेली के जो है इजेक्टा हालो का नाम दिया गया है। तो ये तो सभी को पता है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू टच डाउन इन द मून्स पोलर रीजन जब चंद्रयान 3 जो है लैंडर मॉड्यूल के साथ उसने किया था और रोवर जो है उसको लैंड करने में वो सक्सेसफुल हो पाया था और सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो लूनार सरफेस पे हमने की थी। 1 lunar day आपको याद रखना है वो 14 अर्थ डे के बराबर होता है, ये पहले भी बताया था, आप फिर से बता रहे हैं। मिजोरम हैज हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंट रेट इन इंडिया फाइंड्स स्टडी। स्टडी में पता चला है कि डिस्पाइट बीइंग द कंट्रीज सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, मिजोरम एग्जिबिट्स द हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंट रेट इन इंडिया। तो हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंट रेट इसमें है और जो मोर्टेलिटी में राइज है वो इट कुड बी ड्यू टू डर्थ इन स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज स्किल्ड पर्सनल, दोनों की वजह से जो है जो मोर्टेलिटी रेट में राइज देखने को मिला है वो उसका कारण मेनली ये है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं और जो स्किल्ड पर्सनल है उनकी भी कमी है, ठीक है ना। चाइना के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ली केक्यांग, ठीक है ना, रिफॉर्मिस्ट प्रीमियर इनको बोलते हैं, वो उनकी जो है डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत है, बाकी जो इकोनॉमी पे उनका मेनली फोकस था और इन्होंने प्रीमियर थे 2023 में। इट डिड नॉट रॉक द पॉलिटिकल बोट एंड फोकस ऑन रनिंग द इकोनॉमी, मेनली फोकस इनका इकोनॉमी पे था और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना देख रहा है उसमें इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल है, ठीक है। तो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और डिस्कशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपने इम्प्रोवाइजेशन के कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।